ਸਾਡੀ ਤੇਰੇ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸੱਚੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਹੀ ਕਰਵਾਤਾ। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो आपको क्या बताने वाला हूँ, अपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा। तो गाइस जो आपने शुरुआत में यहाँ पे वीडियो देखी काफी ज्यादा वायरल है रील्स के ऊपर, एंड आप उस टाइप के रील्स बनाकर रील्स पे अपलोड करोगे तो आपके अच्छे खासे व्यूज आ सकते हैं एंड आपकी वीडियो वायरल भी हो सकती है। तो दोस्तों आपने कैसे उस टाइप की वीडियो की एडिटिंग करनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अपने फोन के स्क्रीन के ऊपर आ गया। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कैपकट आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपने एक फोटो को सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले से फोटो सिलेक्ट कर लिया, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे ये ऐड वगैरह आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फोटो मेरी आ चुकी है और यहाँ पे इसको सबसे पहले एक्सपोर्ट करेंगे हम। ठीक है, डायरेक्ट हमें इसको एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट करने के बाद जो जो वीडियो फॉर्म में आ जाएगी हमारी, और वीडियो फॉर्म में आ जाएगी तो उसको हम दोबारा से इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे जो इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सो भाई एक्सपोर्ट हो चुकी है, अब यहाँ पे दोबारा से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके हम इसके अंदर इसको इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो फॉर्म में हमारी आ गई है वीडियो। तो यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपोर्ट हो रहा है, थोड़ा सा आपने यहाँ पे वेट करना लगभग 4 से 5 सेकंड। तो भाई यहाँ पे हमारी वीडियो आ चुकी है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, न्यू पैक पे आना है। यहाँ पे देख सकते हैं इसको 9016 सेलेक्ट कर देना है यहाँ पे, और इन्हें पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे क्रॉप पे क्लिक करें 9016। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये दोनों हो चुका है दोस्तों। लास्ट में ब्लैक सा पार्ट है, इसको डिलीट कर देंगे हम ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, वीडियो पे आएंगे, म्यूज़िक पे इस पर क्लिक करेंगे, प्लस वाला आइकन पे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट साउंड फ्रॉम वीडियो। ठीक है, जो वीडियो आपको दोस्तों वीडियो दिख रही है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, ये वाली इस पर क्लिक करना है यहाँ पे, ओके अच्छा पे जैसे आप क्लिक कर दो आपका म्यूज़िक ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका मेरा फर्स्ट में। तो यहाँ पे दोस्तों 17 बीट्स हैं, तो यहाँ पे बीट आपने लगानी पड़ेगी तभी आपकी वीडियो बन के आएगी। ठीक है, फर्स्ट वाली बीट है 1.28 सेकंड, सेकंड वाली 3.49 सेकंड, तीसरी वाली 4.75 सेकंड, फोर्थ वाली 5.94 सेकंड, 5 वाली 6.22 सेकंड, और जो 6 वाली बीट है 6.53 सेकंड, 7 वाली 6.75 सेकंड, और 8 वाली है 7.02 सेकंड। ठीक है, और 9 वाली है और 7.72 सेकंड, और जो 10 वाली है वो है मैं आपको बताता हूँ 8.26 सेकंड, और जो 11 वाली बीट है वो 8.76 सेकंड, जो 12 वाली है यहाँ पे वो है 9.34 सेकंड, 13 वाली 10.10 सेकंड, 14 वाली 10.87 सेकंड, 15 वाली 11.63 सेकंड, 16 वाली 11.99 सेकंड, और जो 17 वाली लास्ट वाली वो है 12.33 सेकंड। ठीक है, तो बीट लगा लें दोस्तों, और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर देना। तो यहाँ पे दोस्तों ये बीट में हमारी आ गई। अब दोस्तों करेंगे यहाँ पे आपको बीट दिख रही है, सिंपली से नीचे यहाँ पे इसके कट लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नीचे कट लगा लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे लाइन के जो बीट दिख रही है इसके नीचे सिंपल से यहाँ पे हमने कट लगाते जाना है और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं बहुत सिंपल से तरीके से बताता हूँ आपको, बहुत आसानी से आप बना सकते हो, कुछ उसमें झिकझिक बाजी नहीं करनी है। तो यहाँ पे यहाँ तक हमारा वीडियो है, यहाँ तक हमारा म्यूज़िक है और वीडियो हमारी बड़ी हो गई है। तो यहाँ पे हम कट लगाएंगे जो एक्स्ट्रा ये वीडियो है इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये डिलीट हो चुकी है। अब दोस्तों करना है इसमें लगाने इफेक्ट वगैरह, तो मैं इफेक्ट वगैरह दोस्तों यहाँ पे ऐड करता हूँ, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। तो गाइस इफेक्ट वगैरह लग चुका है, पहले मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे नीचे नीचे वाले। ठीक है, फिर बाद में बताऊँगा प्लस वाला आइकन वाले। तो पहले आपने लगाना है यहाँ पे फर्स्ट वाले पे जूम इन, सेकंड वाले पे जूम आउट, फिर यहाँ पे तीसरे वाले पे आपने लगाना है यहाँ पे जूम इन, फिर चौथे वाले पे जूम आउट, फिर यहाँ पे देख सकते हैं पांचवे वाले पे जूम इन, पांचवे वाले पे जूम इन लगाना है देख सकते हैं आप लोग, फिर छठे वाले पे जूम आउट, फिर सातवें पे जूम इन, फिर आठवें पे जूम आउट। ठीक है, इस तरीके से आपने लगा देना है, और फिर यहाँ पे नवे वाले पे यहाँ पे देख सकते हैं नौवे वाले पे लगाना है, एफएक्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने लगा देना है डिजिटल वाला, फिर अगले वाले पे यहाँ पे देख सकते हैं आप 10वें वाले पे जूम इन, फिर 11 वाले पे जूम आउट, फिर 12 वाले पे जूम आउट, फिर 13 वाले पे जूम इन, फिर 14 वाले पे जूम आउट, फिर 15 वाले पे जूम इन, फिर 14 वाले पे 16 वाले पे मूव लेफ्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले पे जूम इन। ठीक है, इस तरीके से आपने लगा देना, और लास्ट में दिखाता हूँ आपको कहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे दोस्तों, तो गाइस 15 वाले पे यहाँ पे लगाना है मूव लेफ्ट। ठीक है, 15 वाले का यहाँ पे आपने 16 वाले पे लगाना है देख सकते हैं आप लोग जूम आउट, फिर यहाँ पे लास्ट वाले पे जूम इन। ठीक है, इस तरीके से आपने लगा लेना है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो प्लस वाला आइकन है देख सकते हैं दूसरा वाला, इसमें आपने लगाना है ब्लैक वाला। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ छोड़ के आपने यहाँ पे लगाना है देख सकते हैं आप लोग आगे वाले पे, यहाँ पे जहाँ पे इफेक्ट आ रहा है ये वाला। ठीक है,
यहाँ पे टाइप लगा लेना है देन 0.3, फिर यहाँ पे लगाना है जैसे आप लोग यहाँ पे दूसरे वाले पे जूम 1 तो दो बार टैप करना है, ठीक है, उस पर आपको ऑफ कर देना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये वाइट वाला लगा दिया मैंने लेंथ 0.2 सेकंड, फिर प्लस वाला आइकन यहाँ पे लाइट लगाना है 0.2, फिर यहाँ पे जूम 1 को दो बार टैप पहली बार टैप करना है, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे, फिर यहाँ पे लाइट लगाना है, फिर यहाँ पे वाइट वाला, फिर यहाँ पे लाइट वाला, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख के लगा लीजिएगा, बहुत आसान है बनाना। तो इतना करने के बाद उसको इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद हमें हमारी वीडियो हाफ बनी है दोस्तों, फिर इसको हम कैपकट ऐप के अंदर रिपोर्ट करेंगे, इसमें ब्लर वगैरह लगाएंगे, ठीक है। तो वही एक्सपोर्ट हो गई है, यहाँ पे हम कैपकट ऐप को ओपन करेंगे, बट उससे पहले वीपीएन को कनेक्ट कर लेना, ठीक है। अब मैंने पहले से कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे हम इस पर क्लिक करके इसको हम यहाँ पे जो है इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं इसके अंदर वीडियो को। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो हमारी बनकर कम्प्लीट हो गई है। तो यहाँ पे हमने जो एक्सपोर्ट करी थी अभी भी, इसको यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं वीडियो भी आ चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपने करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने इफेक्ट पे आना है, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करना है, ट्रेंडिंग वाले सेक्शन पे नीचे आपको मिल जाएगा हालो ब्लर, ठीक है। तो ये मिल जाएगा, ये आपने लगा देना है। तो ये आपने कहाँ तक लगाना है, ठीक है, जहाँ तक ये पहले वाला कलर आपने देखना है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ तक आपने लगा देना है, तो इसको हम पीछे लेके आएंगे इस तरीके से, यहाँ तक आपने लगाना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक आपने इसको रख देना है, एडजस्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने इसकी इंटेंसिटी फुल कर देना है, स्पीड को आपने कर देना है यहाँ पे लगभग 7 तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो गाइस इस स्टेप से हमारी जो वीडियो यहाँ पे बनकर कम्प्लीट हो गई है, आपको चला के दिखाता हूँ किस स्टेप से हमारी वीडियो बन गया, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, स्टेप्स बना देना। और एक्सपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट करना ही बहुत आसान है, आपने इस पर क्लिक कर देना है, दोनों को इसको फुल कर देना है और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना, आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो गाइस वीडियो आपको जरूर से अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर देना, और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर फॉलो कर देना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।